मुझे चुला चौका संभालना है बजाना है, किसी दूसरे का जाना है, ये तुम्हारा काम है। तो जरा देखिए दोनों बॉक्सेस में कितने डिफरेंस है। एक बॉक्स में हम बोल रहे हैं कि आपको बाहर जाने का हक है, आपको सपने देखने का हक है और आपको कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी। When you're giving this to a two-year-old and telling them that playing with this is normal, आप conditioning एक तरीके से कर रहे हो बच्चे की। And आप किस तरीके से खेलते हैं? मुझे भी ये gift दी। ये दूसरी बात है कि हम अपने बहनों के gift से ज़्यादा खेलती थी, लेकिन ये भी दी गई थी मुझे। And we used to play like we used to, you know, try and shoot people and they would pretend to die, but we won't जाते थे, बहुत मज़ा आता था। Take care of the dolls. You know, और ये तो बस एक डॉल है, लेकिन आजकल सेट्स आते हैं, इधर हाउसेस एंड क्लोथ्स, है ना, ज्वेलरी, क्या क्या ना रहता है इसमें, कोम रहता है, है ना। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लड़कियां उसको ठीक तरीके से रखेंगे, खुद को भी उस तरीके से रखेंगे, ब्यूटी के फ्रेमवर्क में फिट हो जाएंगे, है ना, और साफ सुथरा करके रखेंगे उस चीज को। तो ये जो केयर गिविंग की ट्रेनिंग जो होती है ना, ये दो साल की उम्र से आप सिखा रहे हो। मैं जहाँ पे आर्मी एरिया में रहती हूँ, तो नवरात्रि के टाइम पे आर्मी के ऑफिसर्स हमारे बच्चों को लेने के लिए आ जाते हैं। जब मेरी बेटी को जब 11th 12th ईयर्स में जब उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, तो वो बेचारी रेडी हो गई थी जाने के लिए। तो इन्होंने ये बोल दिया, वो मेरे बच्चे के दिमाग पे बहुत गंदा असर पड़ी है। वो बोलने लगी कि जब मुझे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया तो वो लोग मुझे पूजा के लिए नहीं ले जा रही है। तो वो मुझे बहुत ही मतलब अंदर से हर्ट हुआ कि इस तरह की मुझे पहले से नहीं बेचना चाहिए था, मेरे बेटे के दिमाग में ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि वो मैंने सच में वो मुझे खुद को महसूस हुआ कि जब लड़कियों को इस तरह की होती है, तो पहले तो मैंने अपनी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं देखी। माय रिसर्च वाज इन ट्राइबल एरियाज, नॉट प्रॉपर ट्राइबल प्लेस। सो व्हेन द गर्ल्स or a female, they have menstruation, and I was made to sleep outside in Angan and for those 5 to 6 days. So that was there, and I wasn't prepared for that, and I had a talk with my supervisor when I shifted to the district office. So that was one night I slept outside the house. So that has happened with me, but not here, that's in a Jharkhand. And in a mainstream media, when I say that, like I studied in Punjab, so you're not supposed to put your hands in a beaker when you were, you know, having this job. So these are the things, but I don't think so, being Ladakhi from the particular, even if I'm from that cold village, I find it's very acceptable. So once I was feeling very lazy, so my mother asked me to go light the chunni, a candle. So I was like, no, I'm having a menstruation. And she said, it is all given by the God and it's nothing. So you better go and stop feeling lazy about it. So it's a different, there are different places. Yeah, I'm blessed to be born here. Thank you. Actually, har bakse ka hum dekh rahe hain, rules and regulations hai, norms hai. And aap jis bhi bakse mein hai, तो जब आप नॉर्म्स फॉलो करते थे बचपन में, आपको क्या बोला जाता था? When you follow the norms, जो आपको दिए जाते हैं कि अच्छा आप घर का हो तो आपको इस तरीके से चलना है, इस तरीके से बात करनी है, और आप कर रहे हो वो फॉलो, तो आसपास के लोग क्या बोलेंगे आपको? गुड गर्ल एंड गुड बॉय, है ना। एंड वी रियली लव टू हियर दैट, है ना। और अगर ना करें फॉलो तो क्या बोलेंगे? बैड बॉय एंड बैड गर्ल, ऐसे ही बोलेंगे, है ना। तो हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही, जेंडर तो ऐसे होता है, ऐसे ही जिंदगी चलते हैं, लेकिन नहीं। हमारी पूरी जिंदगी हम चलाते हैं बेस्ड ऑन वैलिडेशन। किसी कानूनी कार्रवाई के कारण से हम पुलिस स्टेशन में गए, वहां पे लोकल, तो मैंने जब अपना सब कुछ दिखाया, कागज एंड एवरीथिंग, बात करने, डायलॉग शुरू कर दी थी उनके साथ, तो उन्होंने मुझे पहली चीज पूछी कि अच्छा आप ट्रांस व्यक्ति हो, आपका मेडिकल कहाँ हुआ है? तो मैंने बोला मेडिकल का मतलब क्या है आपके लिए? तो उन्होंने बोला नहीं, जांच कहा हुई है आप ट्रांस हो या नहीं। तो फिर मैंने बोला कि जांच नहीं होनी जरूरत है, सेल्फ डिटरमिनेशन की राइट दी है हमें सरकार ने, है ना, 2019 के एक्ट में, 2014 के वर्डिक में, नालसा वर्डिक। तो सेकेंड वाला जो पॉइंट है, ट्रांस मैन और मैन, इसी में फिर से आ जाती है कि हाँ
आदमियों को पिलर जाते हैं। बहुत सारे साथी हैं मेरे जिनका शरीर फीमेल बॉडी में जिनका जन्म हुआ है और वो खुद को आदमी मानते हैं, उनको पीरियड जाते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनका फीमेल बॉडी में जन्म हुआ है और खुद को वो जेंडर क्वियर मानते हैं या नॉन बाइनरी इंडिविजुअल मानते हैं, उनको भी पीरियड आते हैं। बहुत सारे साथी हैं जिन जो खुद को ट्रांसमैन बोलते हैं, फीमेल बॉडी में उनका जन्म हुआ है एंड दे गेट प्रेग्नेंट, तो यस मैन कैन गिव बर्थ। ये सारी चीजें पहली बार जब हम सुनते हैं खटक सी लगती है क्योंकि कंडीशनिंग हमारी इसी में हुई है। लेकिन जब हम इक्विटी की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, जब हम समानता की बात करते हैं, तो वो रास्ता कभी सीधा नहीं हुआ है किसी के लिए भी, ना ही डिफिकल्टी के बिना हुआ है। तो आस्ते आस्ते वहां तक भी हम पहुंचेंगे। जैसे मैं जिस गांव में काम करता हूं उसी वही से एग्जाम्पल लेना पसंद करती हूँ क्योंकि आसपास के जो एग्जाम्पल होते हैं ना हमारे बड़े विश एग्जाम्पल होते हैं। तो वहां पे एक साथी है हमारे जो मैंने कभी समुदाय के बारे में उनसे बात नहीं की क्योंकि वो मेरी जगह नहीं है। और क्या है ना, आप अगर आप विजिबल हो इन अ वे वहां पे लोगों के सामने, तो आप अगर सबसे जाके बात करने जाओगे एलजीबीटी के बारे में तो उनपे भी प्रेशर बनता है कि आपसे क्यों बात करने आते हैं, आप किस समुदाय के लोग। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, उनका जन्म फीमेल बॉडी में हुआ है, ठीक है, और वो खुद को आदमी मानते हैं, ठीक है। और वहां पे जो टोपी है हिमाचली टोपी, वो मोस्टली मेन वेयर, वुमेन वेयर ढट्टू जिसको बोलते हैं, तो उनको सब भैया बुलाते हैं, सब चाचू बुलाते हैं, है ना, सब भैया जी बुलाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक एक एक्सेप्टेंस है समाज में। सबसे पहले तो आपका नाम जानेंगे और लद्दाख में इस तरह का जो इवेंट है इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम और पहली बार हो रहा है, तो हम सबसे पहले चाहेंगे आप एक बार इंट्रोड्यूस करें और इस इवेंट के बारे में थोड़ा बताएं। तो सभी को सतरंगी सलाम, मेरा नाम डॉन हसार है एंड आज बहुत ही मैं बहुत खुशनसीब फील कर रही हूँ खुद को कि लद्दाख में आज पहली बार ट्रांस मुद्दों के ऊपर बातचीत हो रही है, ट्रांस पर्संस एक्ट 2019 के ऊपर बातचीत हो रही है और ये सरकारी अथॉरिटीज से आई है ना, क्योंकि शुरुआत में ही हमने बात की थी कि रजिस्टर्ड सिर्फ 6 लोग हैं पूरे यूनियन टेरिटरी में जो खुद को ट्रांस व्यक्ति मानते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे तरीके से नहीं होता है। समाज में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ हो सकता है शब्द ना हो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिनके लिए वो सुरक्षित जगह नहीं है ताकि वो आके खुद की बात कर सके। और आज मैडम सेक्रेटरी, मैडम डायरेक्टर से जब बात हुई तो बहुत प्रॉमिसेस दिखी मुझे, वो इसके बारे में सिर्फ पॉलिसीज नहीं बनाना चाहते, वो इसके बारे में बैठ के इंटरवेंशंस उस तक करना चाहते जहाँ तक ट्रांस कम्युनिटी से चीजें उभर के आए के नीड्स क्या है। तो मुझे लगता है ये एक शुरुआत है जहाँ पे हम ट्रांस मुद्दों के बारे में सिर्फ नहीं लेकिन और भी जो हमारी पहचाने हैं, है ना, हमारी कम्युनिटी सिर्फ एक ही पहचान के वैक्यूम में नहीं रहती, हमारे बहुत सारे अलग अलग पहचान हैं, तो उसके बारे में बातचीत हो रही है, पहली बार हो रही है। लेकिन पहली बार जब कुछ होता है तो यही प्रॉमिस होती है कि बहुत बहुत बार और भी बातचीत होगी इसके ऊपर और भी हम स्टेप्स लेंगे, अवेयरनेस लेंगे। और लद्दाख की कॉन्टेक्स्ट में कैसे हम ट्रांस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, यहाँ के कल्चर में कौन सी चीज़ इंग्रेंड है, यहाँ के फेथ में कौन सी चीज़ इंग्रेंड है, लेके हम आम इंसान तक ये सारी चीज़ें कैसे पहुँचाएंगे ताकि जो ट्रांस व्यक्ति उनके अंदर रह रहे हैं, उनके आसपास रह रहे हैं, वो भी उभर के आए और मैं जैसे यहाँ पे बात कर रही हूँ वो भी आके अपनी कहानी अपने शब्दों में अपने वॉइस पे बात कर रख सके और खुद के नीड्स खुद बोल सके। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको पता है कि लद्दाख एक बहुत छोटा सोसाइटी है और एक छोटे सोसाइटी में इस तरह की जब बात आती है तो कन्विंस करना काफी मुश्किल हो जाता है, आपको भी पता है। तो लद्दाख में जिस तरह से आपने कहा कि गवर्नमेंट का अप्रोच रहा, आप यहाँ इस चीज को समझाने के लिए, तो आप क्या सोचते हैं छोटे कम्युनिटी में इन सब चीजों को समझाना कितना चैलेंजिंग हो जाता है? देखिए चैलेंजेस तो होंगे, पहली बार जब किसी मुद्दे को लेके बात होती है चैलेंजिंग होती है। जब पहली बार औरतों के हकों के बारे में भी बात हुई थी चैलेंजिंग थी, लेकिन वो करते रहना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैं भी जिस जगह में काम करती हूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी मोर देन 90% ऑफ द स्टेट लिव्स इन रूरल कंडीशंस, है ना, लेकिन हमें उस जगह की भाषा में वोकैबुलरी लानी पड़ेगी, है ना। हम सिर्फ एक तरीके के अंग्रेजी वोकैबुलरी के साथ अगर हम काम करेंगे
तो ये मुश्किल होगी. आप जिस चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हो वो आएंगी, लेकिन हम लद्दाखी कल्चर में, लद्दाखी कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ के सोसाइटी में जिस तरीके से जेंडर को देखा जाता है ना, उस तरीके से हमें यहाँ की भाषा में, यहाँ के डायलेक्ट के थ्रू हमें बात करनी पड़ेगी और वो डेवलप करना पड़ेगा. तो मुझे तो लगता है ये एक शुरुआत है और जाके लोगों के सामने हमें ये क्वेश्चन रखनी पड़ेगी कि ये साथी जिनको हम अलग तरीके से देखते हैं वो समाज का ही हिस्सा है. ऐसा नहीं है कि वो किसी और प्लैनेट से आए हैं या सडनली हमारे आसपास आ गए हैं. तो आप उनको कैसे देख रहे हो और क्यों देख रहे हो, तो ये डायलॉग होनी पड़ेगी. और मुझे, मैं इस काम में विश्वास करती हूँ कि जब कोई नहीं मान रहे हैं उनसे बात किया जाए. अलाइशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम इधर गुस्से में आके उनसे झगड़ा करके बोल सकते नहीं आप अलग हो, हम अलग हो, हम दुश्मन हैं. या तो हम बैठ के बात कर सकते हैं कि आप हमारे समुदाय के लिए कैसे जगह बनाएंगे. तो वो रियलिटीज दिखाना यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में वो हमारा काम होगा, मुझे लग रहा है. आप कितना होपफुल है इससे, सेशंस जैसे अभी आपने लद्दाख में किया है, आपने और भी जगह पे किया है, तो किस तरह के आप लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं या इस चीज को एक्सेप्टेंस कैसे आप देखते हैं आगे? तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो एक लीनियर जर्नी होगी कि हाँ पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. क्योंकि हम सभी इंसान इसी समाज से, बहुत सारे डाउट्स, कंडीशनिंग हमारे अंदर ही है ना. तो कुछ ये एक टू एंड फ्रो प्रोसेस होगा. मतलब आप एक कदम आगे जाएंगे, दो कदम पीछे आएंगे, फिर चार कदम आगे जाएंगे, तीन कदम पीछे आएंगे. तो वहां पे ओनरशिप हम सबको लेनी पड़ेगी. सिर्फ गवर्नमेंट लेने से नहीं होगी, सिर्फ मतलब मीडिया को भी लेनी पड़ेगी. जैसे हम किस तरीके से बात कर रहे हैं ऐसे सोसाइटी के बारे में, क्या गाइडलाइंस है. हमें एडुकेशन सेक्टर से बात करनी पड़ेगी कि ऐसे बच्चे जो आपके स्कूल में, कॉलेजेस में हैं, जो खुदकुशी कर रहे हैं, जो खुश नहीं है, जो ड्रॉप आउट कर रहे हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है. हेल्थ केयर से भी हमें बात करनी पड़ेगी कि ऐसे लोग आप तक कैसे पहुंचे, आप उन तक कैसे पहुंचे. हाउसिंग से बात करनी पड़ेगी. मतलब इट हैज टू बी डन टुगेदर ऑन डिफरेंट लेवल्स, लेकिन एक साथ. होपफुल मैं हूं, मुझे लग रहा है इस सेक्टर में जहां पे हम काम इसीलिए करते विद द होप दैट पीपल चेंज एंड दैट होप कैन नॉट बी टेकन अवे. सो या इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट दिस इज अ स्टार्ट. सो लेट्स इक्वालिटी के बारे में क्या करेंगे और साथ ही साथ हमारे लद्दाख के पीपल की किस तरह की मैसेज. इक्वालिटी के बारे में मैं यही कहूंगी कि मुझे लगता है इक्वालिटी जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है इक्विटी के बारे में भी सोचना जरूरी है. क्योंकि हम सब अलग अलग जगह से आते हैं. हम अगर, हमारे सिर्फ एक ही पहचान नहीं होती है जेंडर की, हमारे धर्म का भी पहचान होती है, हमारे कास्ट की भी पहचान होती है, हमारे और भी क्लास की भी पहचान होती है, डिसेबिलिटी की पहचान होती है. तो हम जब इक्वालिटी की पहचान करेंगे, हमें एक इंसान को उनके सारे पहचानों के साथ देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उनकी क्या जरूरतें हैं. उस तरीके से स्कीम जरूरत है, उस तरीके से जरूरत है, क्या स्कीम्स है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही है उन तक पहुंचे. और यहाँ पे जब से मैं आई हूँ मुझे तो बहुत ही प्यार मिला है यहाँ के लोगों से. एक तरीके से मैं जब तैयार होके भी नीचे आज आई तो मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगा है. तो मुझे लगता है बहुत पॉसिबिलिटीज है, बहुत होप है, लेकिन एक साथ काम करने की जरूरत है. हम किसी को अगर अलग करके बोलेंगे नहीं इनके साथ काम नहीं कर सकते तो फिर इक्वालिटी इक्विटी में मुश्किल होगी. अगर इक्विटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, तो वही इंटरसेक्शनली हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या पहचाने हैं एक इंसान में यहाँ पे और क्या जरूरतें हैं. क्योंकि वो अलग होगी तो उन तक हम कैसे पहुंचे, ना के वो सिर्फ हम तक कैसे पहुंचे. तो वो ब्रिज जब हम बना देंगे ना, मुझे लगता है इक्वालिटी विल बी ऑन इट्स वे. सो या मैसेज यही होगा कि जब भी मैंने यहाँ के कल्चर के बारे में पढ़ाई की है, वीडियोस देखे हैं या सुना है, मैंने हमेशा प्यार के बारे में बहुत सुना है, कंपैशन के बारे में बहुत सुना है, इन स्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रबल्स एंड ऑपरेशन दैट पीपल इन दिस रीजन हैव गॉन थ्रू, है ना. तो वो मुझे डेफिनेटली दिखाती है कि एक तरीके की रेजिलियंस है यहाँ के लोगों में, है ना. आगे जाएंगे हम और सबके साथ आगे जाएंगे. क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब आप ऐसे क्षेत्रों में रहते हो जहाँ पर रिसोर्सेस कम होती है ना, और बहुत डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस में आप रहते हो, तो एक साथ आगे जाना उतना मुश्किल नहीं होता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो यही मैसेज दूंगी कि बहुत सारे ऐसे हो सकता है कि अननोन शब्द आपके पास है. मुझे लगता है जेंडर किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती है, जेंडर सबको पता होता है. हो सकता है ये शब्द उन तक ना पहुंचा हो, तो
कुछ कुछ चीजें जब अब गवर्नमेंट जब काम करेंगी यहाँ पे, हो सकता है वो डिफिकल्ट हो, अनकंफर्टेबल हो, लेकिन हम एक तरीके से अगर उसी रेजिलियंस के साथ आगे बढ़ेंगे, एक साथ एकत्रता के साथ आगे बढ़ने की बात करेंगे, तो मुझे लगता है दिस विल बी अ मोर पीसफुल सोसाइटी देन दिस ऑलरेडी इज. सो या फॉर द फर्स्ट टाइम लद्दाख में ट्रांसजेंडर इंक्लूजन की जो वर्कशॉप होता है, पहली बार लद्दाख में हो रहा है, और ऐसे छोटे कम्युनिटी में इस तरह का अवेयरनेस करना, इस शुरुआत को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने आज बोला है कि जितना यूटी हमारा ओल्ड है उतना ही ट्रांसजेंडर एक्ट ओल्ड है. 2019 में दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. सो बहुत जरूरी था कि हमें इम्प्लीमेंटेशन लद्दाख में हो इस एक्ट का. दिस इज मैंडेटेड बाय लॉ ऑल्सो, कोई चॉइस नहीं हमारे पास. बट उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले जरूरी है कि वी आर अवेयर अबाउट इट एज एडमिनिस्ट्रेशन, एज इम्प्लीमेंटर्स, एट द सेम टाइम लोगों को भी. क्योंकि अगर हम आज ट्रांसजेंडर, जैसे हम लोगों ने भी शेयर किया कि हमारे सिर्फ 6 लोग एज ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई हुए हैं एज ऑन डेट इन लेन कारगिल टुगेदर, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें पॉपुलेशन इससे ज्यादा हो. तो एक्ट के अंडर सबसे पहले जरूरी है कि ट्रांसजेंडर्स आगे आके अपने आप को आइडेंटिफाई करें एज ए ट्रांसजेंडर इफ दे वॉन्ट टू. तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और अवेयरनेस साइमल्टेनियसली फॉर द ट्रांसजेंडर्स, फॉर द फैमिलीज, क्योंकि फैमिली का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, एंड फॉर इम्प्लीमेंटर्स ऑल्सो. सो तीनों के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है. And I think this is the apt time, the right time when this workshop should have been held. Mm-hmm. And I'm happy कि आज हमारे workshop में सारे implementers as well as civil society आज आए हैं. और मैं expect करूँगी directorate जिन्होंने start किया है ये workshop, इसको आगे ले जाएं ताकि हम लोग बिल्कुल far-flung areas में भी जाएं. Awareness about transgender community as such and awareness about various provisions of the act. तो मैम, इसको जिस तरह से शुरुआत तो अच्छी हुई है, तो किस तरह से गांव-गांव में पहुंचाया जा सकता है इस तरह का अवेयरनेस? क्योंकि लद्दाख जैसे जगहों पे जहां डाउन सिंड्रोम की बात आती है, तो जैसे बीमारी बच्चों को देखा जाता है उनको छुपा के, ये बहुत सारी कहानी सामने आई है, तो ये बहुत बड़ा एक उनके लिए अलग चीज है. तो उस चीज को गांव-गांव में अवेयरनेस के तौर पर किस तरह किया जा सकता है? देखिए, लद्दाख मुझे लगता है, क्योंकि आई वर्क आउटसाइड लद्दाख मोस्ट ऑफ माई करियर, लद्दाख एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, और यहाँ मुझे लगता है हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा टू एक्सेप्ट ट्रांसजेंडर्स एज अ कम्युनिटी. ओनली थिंग इज अवेयरनेस जरूरी है कि एक्ट के अंडर देयर आर सर्टेन प्रोविजंस फॉर पीपल हु आर ट्रांसजेंडर. और जैसा मैं आज कह रही थी कि अगर हम एज अ यूटी कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि टॉप डाउन अप्रोच हो. तो ट्रांसजेंडर्स खुद फील करें कि लद्दाख में उनको किस चीज़ की कमी है. इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है, बट इसके अलावा क्या कोई चीजें हैं, कोई चैलेंजेस है दैट दे आर फेसिंग? तो जब तक ट्रांसजेंडर आके नहीं आएगा और हम उनके साथ एक डायलॉग नहीं बनाएंगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस आल्सो टू सी कि ऐसा कौन सा स्कीम है या ऐसा कौन सा इंटरवेंशन है जो हमें टेकअप करना है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम होंगी फॉर ट्रांसजेंडर, दैट इन एनी केस वी हैव टू इम्प्लीमेंट. आई फील अभी हम लोगों ने बोला हुआ है, हमारे डायरेक्शन गए हुए हैं कि एक सर्वे, एक्सटेंसिव सर्वे कराना बहुत जरूरी है. ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेटेड ऑर्डर भी है. कितने ट्रांसजेंडर्स होंगे लद्दाख में, ये बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि ये सर्वे कंडक्ट हो और हमें एग्जैक्ट नंबर्स मिले, और उसके बाद आउटरीच तो वैसे भी हमारे फील्ड ऑफिसर्स करेंगे, बट इसके साथ अगर हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम लोग एक इंटेंसिव कैंपेन कर सकते हैं. ये हम लोग का प्लान है, एंड अ लॉट ऑफ इनपुट विल कम फ्रॉम दिस वर्कशॉप, कि वर्कशॉप में सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व है. तो बहुत ज़रूरी है कि पार्टनरशिप सिविल सोसाइटी के साथ हो, क्योंकि अवेयरनेस आपने भी देखा होगा आज, टोटल अवेयरनेस अबाउट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जेंडर इश्यूज एंड द एक्ट, उसमें कमी है. एंड मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आज वर्कशॉप में हमें बहुत से एक्शन पॉइंट्स इमानेंट होंगे, एंड वी विल बी एबल टू टेक इट फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली.